जय श्री कृष्णा। गीतादाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कक्षा 12th आज का विषय राजनीति विज्ञान भाग है पहला अध्याय पहला शीत युद्ध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध के हैं जो थ्योरी, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के लक्षण। फिर हमने पढ़ा शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं भी हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध से संबंधित कुछ शब्दावली है। क्या है? शीत युद्ध से संबंधित शब्दावली, यानी पारिभाषिक शब्द है। क्या है? पारिभाषिक शब्द, कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द है शीत युद्ध के अंदर आपका, वो है द्विदंत। क्या है? द्विदंत। इसका अर्थ होता है तनाव क्षेत्रीय। क्या है? तनाव क्षेत्रीय। क्या है? तनाव में कमी। क्या है? तनाव में कमी। और ये शीत युद्ध का एक शब्द है जिसको अभिप्राय यूएसए व यूएसएसआर के बीच मित्रता की शुरुआत, ये इसका तौर तरीका है। दूसरा है दितंत। दूसरा जो पारिभाषिक शब्द है वो है दितंत। दितंत का अर्थ है कि शीत युद्ध की समाप्ति नहीं, शीत युद्ध की समाप्ति नहीं। जो इसका दूसरा है, इसका अर्थ है कि शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है। और ये दितांत यानी तनाव क्षेत्रीय के कारण 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया था और यूएसएस व चाइना में प्रतिद्वंद्वता हुई थी और वियतनाम में हस्तक्षेप भी हुआ था। और इसका जो काल है दितांत का, वो समय रहा है 1962 से लेकर 1970 तक। 1962 से लेकर 1979 तक ये इसका काल रहा। क्या रहा है? काल रहा दितांत का। और इसका जो सूत्रधार था, वो सूत्रधार था कैनेडी और क्रुश्चेव। कौन थे सूत्रधार? थे सूत्रधार थे कैनेडी और क्रुश्चेव। ये यूएसएसआर का राष्ट्रपति था और ये यूएसए का राष्ट्रपति था। एक और शब्दावली आती है आपके शीत युद्ध में, वो है नव शीत युद्ध। क्या है? नव शीत युद्ध। कौन सा? नव शीत युद्ध। नव शीत युद्ध का अर्थ है कि 1979 में यूएसएस द्वारा अफगान कब्जे तथा 81 में रोडाल जिंगस के राष्ट्रपति बनने के बाद द्वितांत की समाप्ति तथा शीत युद्ध में तेजी, ये नव शीत युद्ध कहलाता है। इसमें यह है कि 1979 में अफगानिस्तान जो इसका हिस्सा था, किसका? यूएसएसआर का, पहले ये हिस्सा था। इस अफगानिस्तान में है जो कब्जे शुरू हो गए। क्या हो गए? कब्जे शुरू हो गए किसके? तालिबान। किसके? तालिबान के। किसके? तालिबान के। युवा छात्रों के द्वारा। किसका? युवा छात्रों द्वारा। तालिबान का अर्थ है
अफगानिस्तान में युवाओं को है जो अरब अमेरिका और अमेरिका के द्वारा हटाया गया और 1979 में इससे अलग हुआ। तो ये है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस का विरोधी था, न्यू कोल्ड वॉर। दूसरा है आपका वो है कगार वार। क्या है दूसरा जो शब्द आता है वो आपका सीरीज में एक नई चीज आती है, कगार। क्या है कगार वार? कगार वार, कगार वार का अर्थ है ये जॉन फास्टर डलेस की नीति है, तनाव या विवाद को बढ़ाकर युद्ध के कगार पर ले जाना या फिर पीछे हट जाना। यानी इसका अर्थ है कगारवाद का तनाव को बढ़ाकर या तो युद्ध की स्थिति तक ले जाना, युद्ध की स्थिति तक ले जाना और फिर पीछे हट जाना, ये इसको कगार वार कहते हैं। पहले तो किन्हीं प्रोपोगंडा के माध्यम से हैं जो युद्ध जैसी स्थितियां बना देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, ये कगारवाद। और जॉन फास्टर डलेस का, जॉन फास्टर डलेस ये इसका है जो तनाव में इसका सूत्रधार था। एक शब्द और आता है यूएसए में शांति के लिए एकता प्रस्ताव या एचएसएन योजना। क्या शांति के लिए प्रस्ताव या एचएसएन योजना? शांति के लिए प्रस्ताव या एचएसएन, एचएसएन योजना ये सब की है। तो इसका अर्थ है आपका ये होता है कि 1950 में कोरिया युद्ध के समय महासभा द्वारा शांति की पहल करना। इसका 1950 में कोरिया विवाद में, कौन से में? कोरिया युद्ध के समय, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच जो युद्ध हुआ, कोरिया युद्ध में है जो महासभा, महासभा यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की महासभा द्वारा शांति प्रस्ताव की शुरुआत। क्या शांति प्रस्ताव की शुरुआत? शुरुआत ये जो चीज है ये उसमें काम आती हैं। तो ये आपकी एक और है सटल डिप्लोमेसी। क्या है सटल डिप्लोमेसी? क्या है सटल डिप्लोमेसी? सटल डिप्लोमेसी में जो यूएसएसआर द्वारा था इसमें राजदूतों की बजाय मंत्रियों द्वारा कूटनीति चीन के साथ बात की। अब इसका काम कि जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे, उनके बजाय मंत्रियों से वार्ताएं, और ये थी चीन के साथ। किसके? चीन के साथ। किसके? चीन के साथ, यूएसए या यूएसए की, यूएसए की राजदूतों के माध्यम से नहीं होकर सीधी चीन के मंत्रियों के साथ जो गुप्त वार्ताएं होती थी वो थी ये आपकी शटल डिप्लोमेसी। अब हमें कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो शीत युद्ध के दौर में चले थे, उनमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो शीत युद्ध में का उन पर प्रभाव पड़ा। कई बार उन सिद्धांतों की वजह से शीत युद्ध में ज्यादा तनाव आया, कभी तनाव से दिल आया। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शीत युद्ध के दौरान कुछ चीजें चली जिनको सिद्धांत कहते हैं, उनमें मुख्य मुख्य हैं दोनों ध्रुवों की तरफ से ये चला रहा, दोनों ध्रुवों की तरफ शीत युद्ध
ये सिद्धांत तो पहले यूएसए द्वारा जो प्रतिपादित किए गए थे या थ्योरी लागू की गई थी वो है उनमें पहला सिद्धांत है मुनरो सिद्धांत। कौन सा है? मुनरो सिद्धांत। कौन सा है? मुनरो सिद्धांत। कौन सा है? मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत ये अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया। क्या किया गया? अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया। क्या है? यूएसए द्वारा। और इसका मतलब था अमेरिका के लिए अमेरिका, अमेरिका के लिए अमेरिका, अतः जो कुछ होना है वो अमेरिका के फेवर में होना है। तो इसने मुनरो सिद्धांत में जैसे पैन अमेरिकन हुआ तो पैन अमेरिकन का अर्थ है अमेरिका के लिए अमेरिका। क्या? पैन अमेरिका, अमेरिका। फिर है जो दूसरा इसमें आया था पैन अफ्रीका, तो अफ्रीका के लिए अफ्रीका, पैन एशिया, एशिया के लिए एशिया। तो इस तरह से ये सिद्धांत चलते रहे। दूसरा जो सिद्धांत है वो है ट्रूमैन सिद्धांत, जो आपके इसमें कोर्स में भी है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत। मार्च 1947 में जब यूएसएसआर ने तुर्की व यूनान में आर्थिक सहायता दी तो ट्रूमैन सिद्धांत में दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग होगी, आक्रमण होगा, यूएसए की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और इसे यूएसए रोकने का पूरा प्रयोग। ये अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा था। इसमें था कि जहां दुनिया में जहां कहीं संकट की स्थिति होगी वहां अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा और उसको रोकने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा। ये ट्रूमैन सिद्धांत था। फिर एक आई तीसरा जो वो सिद्धांत था वो था मार्शल योजना। क्या थी? मार्शल योजना। योजना क्या था? मार्शल योजना, जिसको कई बार डॉलर प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉलर प्लान। क्या कहते हैं? डॉलर प्लान भी कहते हैं, जिसमें यह है कि मार्शल योजना में 16 देशों की सहायता की थी। अप्रैल 1947 में यूएसए ने है जो 16 देशों को आर्थिक सहायता दी। क्या दी? आर्थिक सहायता दी, एक मुफ्त। कैसे? एक मुफ्त। एक बार में जितना पैसा दिया था कुल कहते हैं कि यूरोपियन का। क्या था? यूरोपियन देशों। कौन सा? यूरोपियन देशों। क्या? यूरोप को जो आर्थिक सहायता दी गई थी उसको मार्शल प्लान कहते हैं। और ये इसका कारण था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्या? रोकना। इसमें यूरोप में साम्यवाद के प्रसार या प्रभाव को रोकना, ये मार्शल योजना का प्लान था। फिर एक थी निक्सन थ्योरी। क्या थी? निक्सन थ्योरी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा निक्सन थ्योरी। निक्सन थ्योरी, ये निक्सन थ्योरी में था कि शीत युद्ध की जगह
प्रतियोगिता, प्रतियोगी व्यवस्था बनाओ, क्या व्यवस्था बनाओ, अर्थात आर्थिक रूप से, क्या आर्थिक रूप से प्रतियोगिताएं होनी चाहिए और उसके साथ ही जो विकास जैसे काम भी होने चाहिए, ये है जो इसका यूएसए का थ्योरी था। अब है जो आपका थ्योरी है वो है तीन थ्योरी इसमें भी है आपकी जो यूएसएसआर द्वारा थी, क्या थी, शीत युद्ध के जो सिद्धांत थे वो शीत युद्ध के सिद्धांत में अब कुछ योजनाएं इन्होंने भी चलाई थी दूसरे वाले धड़े ने साम्यवाद ने, और वो थी यूएसएसआर के द्वारा पहला सिद्धांत, यूएसएसआर के द्वारा जो पहला सिद्धांत था वो पहला सिद्धांत था दो शिविरों का सिद्धांत, कौन सा था, दो शिविरों का सिद्धांत, दो शिविरों का सिद्धांत। तो दो शिविरों का सिद्धांत जो हमारे साथ नहीं वह हमारा विरोधी है, तीसरा कोई पक्ष नहीं, इसे स्टालिन द्वारा दिया गया, स्टालिन द्वारा प्रतिपादित था यूएसएस के राष्ट्रपति, जो हमारे साथ नहीं, जो हमारे साथ नहीं वह हमारा विरोधी, वह हमारा विरोधी है, विरोधी है, इसका मतलब तीसरा पक्ष कोई नहीं, कोई नहीं, यानी या तो आपको दोनों धड़ों में से एक धड़े को ज्वाइन करना है, चाहे तो आप पूंजीवाद के साथ हो और चाहे साम्यवाद के हो, इन दो के अलावा कोई नहीं, जो साम्यवाद के साथ नहीं है वो साम्यवाद का विरोधी गिना जाएगा, तीसरे पक्ष में उसकी कोई पहचान नहीं। दूसरा है ख्रुश्चेव सिद्धांत, कौन सा है दूसरा जो है वो है आपका ख्रुश्चेव सिद्धांत, क्या है सिद्धांत, ख्रुश्चेव सिद्धांत, ख्रुश्चेव सिद्धांत। तो उस ख्रुश्चेव सिद्धांत में शांतिपूर्ण अस्तित्व व समझौता नीति, क्या शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण अस्तित्व, शांतिपूर्ण अस्तित्व समझौता व समझौता जो सिद्धांत है वो इसकी थ्योरी है, इच्छा रहना है इसकी माओ की खिल्ली उड़ाई, क्या उड़ाई, माओ की खिल्ली उड़ाई। और चौथा है माल्टोवा योजना, कौन सा है माल्टोवा योजना, ये मार्शल प्लान के विरोध में थी, क्या थी, विरोध, विरोध या प्रतिक्रिया थी, क्या थी, प्रतिक्रिया में थी, मार्शल प्लान के विरोध और प्रतिक्रिया में थी, जिसमें पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता दी गई, क्या दिया गया, पूर्वी, पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता दी गई और मार्शल प्लान में पश्चिम में आर्थिक सहायता दी गई। तो कल हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से सैन्य गठबंधन हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, आज हमारा अध्याय यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।